गुड इवनिंग एवरीवन। इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है? हेलो वी कैन सी दैट कि बहुत दूर तक हम पढ़ चुके हैं और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट पढ़ा था होम रूल का। लास्ट टू लास्ट या लास्ट क्लास में जहां पर भी होम रूल पढ़ा था, याद है? उस होम रूल में हमने एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन की बात करी थी, ये याद है? ऑगस्ट डिक्लेरेशन के बारे में जो हमने बात करी थी। नाउ ये ऑगस्ट डिक्लेरेशन जो था, ठीक है, ये मोंटैग जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उस समय, उन्होंने दिया था। और अगस्त डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिशर्स का जो मेन मकसद है कुछ आने वाले सालों में, वो ये है कि इंडिया को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन दिया जाए। ऐसा उन्होंने 1917 में बोला। बट जब ये लोग, ठीक है, 1919 में जब वॉर एंड हुआ, तो एक एक्ट लेकर आते हैं जिसको हम बुलाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसके काफी सारे नाम हैं। इस एक्ट को ये भी बोला जाता है मोंटागू चेल्फोन रिफॉर्म। मोंटाग कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइस राय ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? जो लंदन में बैठा हुआ है इंडिया ऑफिस में, ठीक है। वाइस राय कौन है? जो इंडिया में है, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइस राय थे। मोंटाग कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको एक नाम और दिया जाता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। इनका मॉन्ट और इनका फोर्ड, ठीक है। तो कोई भी तीनों में से अगर नाम लिखा होगा आ गया, तीनों का मतलब इज सेम। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? नाउ ये जो रिफॉर्म्स आया बेटा, ये बेसिकली क्या चेंजेस लेकर आया, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट का लेवल अगर आप उस समय के दिनों को देखोगे तो है कैसा चल रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया वाले के लिए लॉ बना रही है। इंडिया में सेंट्रल लेवल पर सरकार है, इंडिया में सेंट्रल लेवल पर सरकार है और प्रोविंशियल लेवल पर सरकार है। प्रोविंशियल को स्टेट के हिसाब से समझिए। दिस इज जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज लक्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है उसमें लेजिस्लेचर भी है जो कि लॉ बना रहा है, और उसमें एग्जीक्यूटिव भी है जो लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव वाले को हम क्या बुला रहे हैं? वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव वाले को जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सिमिलरली यहां पर भी लेजिस्लेचर है और साथ में एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इन्हीं सारी चीजों में बदलाव लेकर आता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इन्हीं लेवल्स पर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लेकर आता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको सभी को? क्या बदलाव लेकर आता है? बहुत सारे बदलाव लेकर आता है। आपको कुछ कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर को बना दिया जाता है बाय कैमरल। बाय कैमरल का मतलब क्या हो गया बेटा? दो हाउसेस होंगे। इस एक्ट के पहले एक ही हाउस हुआ करता था, इस एक्ट के बाद दो हाउसेस होंगे, लोअर हाउस और अपर हाउस। क्लियर है ये चीज? वाइसराइज का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें ये बोला गया कि
कि तीन मेंबर्स इंडियन होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें 11, उसमें से तीन कौन होंगे? इंडियंस। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए जो एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये लोग लेकर आए, इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की। डायआर्की को समझना है अच्छे से। पहला वाला क्लियर है, सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर में एक मेजर रिफॉर्म क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव में क्या रिफॉर्म है? एटलीस्ट तीन मेंबर्स क्या होंगे? इंडियंस। प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेचर में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है विद रेस्पेक्ट टू डायआर्की, और डायआर्की को समझना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? हाँ, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? डायआर्की में अगर आप देखो तो हाउ डज दिस डायआर्की वर्क्स। हाउ डज दिस डायआर्की वर्क्स? सी दिस, डायआर्की का काम चलाने के लिए कौन किस पर लॉ बनाएगा? इसको हम क्या बुलाते हैं? सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट्स बुलाते हैं। कुछ सब्जेक्ट पर, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट पर, ठीक है, लॉ कौन बना सकता था? जो उस प्रोविंस का गवर्नर जनरल होता। ठीक है, से फॉर एग्जांपल बिहार प्रोविंस है और बिहार का जो गवर्नर जनरल है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डिफाइन किए जिसके ऊपर गवर्नर जनरल और उसके जो मेंबर्स थे लेजिस्लेचर के, वो बना सकते थे लॉ। उसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा लिया गया जिसमें इंडियंस लॉ बना सकते थे, मतलब मिनिस्टर्स लॉ बना सकते थे। तो सब्जेक्ट को जिस पर गवर्नर लॉ बना रहा था उसको क्या बोला गया? रिजर्व सब्जेक्ट। और जिस पर मिनिस्टर्स, मतलब इंडियंस मिनिस्टर्स लोग लॉ बना रहे थे, इसको क्या बुलाया गया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिजर्व सब्जेक्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। अब गवर्नर बोल रहे हैं तो गवर्नर जाकर थोड़ी करेगा, उसके जो चेला लोग होगा वो लोग जाकर करेगा, है ना, उसके जो शिष्य लोग होंगे वो, जैसे उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगा वो करेगा, उस पर लॉ बनाएगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेर, ट्रांसफर सब्जेक्ट पर लॉ कौन बनाता था? मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स कौन हुआ करते थे? जो कि नॉमिनेटेड हुआ करते थे। इन मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कौन करता था? प्रोविंशियल लेवल पर जो असेंबली हुआ करती थी उसे, जैसे आज के डेट में देखोगे विधानसभा है ना, ये स्टेट लेवल पर असेंबली है, ये लोग नॉमिनेट करते थे मिनिस्टर्स को, और वो मिनिस्टर्स इस ट्रांसफर सब्जेक्ट पर क्या बनाते थे? लॉ बनाते थे। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट के अंदर सर सब्जेक्ट कौन कौन सा था ये देखो, लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व लिस्ट पे, फाइनेंस रिजर्व लिस्ट, लैंड रेवेन्यू रिजर्व लिस्ट में। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में देखो क्या है, एडुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। अब आप देख रहे हो सारा अच्छा अच्छा सब्जेक्ट किधर है? गवर्नर के पास। और सारा बोझ ढोने वाला सब्जेक्ट किधर है? ट्रांसफर सब्जेक्ट। दिख रहा है ये आपको सभी को? तो ये मार्क कर लेना, मार्क नहीं किया हुआ है, इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्या आपको दो लोगों का रूल दिख रहा है यहां पर सभी को? दो लोग अपना रूल चला रहे हैं साइमल्टेनियसली, क्या ये आपको दिख रहा है सभी को? गवर्नर का अपना रूल चल रहा है और मिनिस्टर्स का अपना रूल चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो दिस वाज द वर्किंग सिस्टम ऑफ डायरकी विथ रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, डायरकी को देखोगे
आठ प्रोविंसेस में इंप्लीमेंट हुआ था, असम, बंगाल, चूंकि बिहार है तो याद रखना, डायर्की वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन बिहार एंड उड़ीसा। देखा था ना 1911 में बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बंगाल से, तो बिहार और उड़ीसा में एडमिनिस्टर कर रहा था डायर्की। ठीक है, क्लियर है, डायर्की याद रहेगा, डायर्की आपसे क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट डायर्की पूछेगा। और एक मेजर चीज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर जो आपको दिमाग में रखना है, वोमेन वेयर गिवेन द राइट टू वोट, फर्स्ट टाइम इन इंडिया वुमेन वेयर गिवेन द राइट टू वोट। सभी वुमेन को नहीं मिला, बट कुछ सेक्शंस ऑफ वुमेन को मिला। ठीक है, राइट टू वोट, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पूछना हो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, कहीं से आपने कुछ पढ़ा हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले, कुछ कंफ्यूजन हो मोंटैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन। देखो ये सारे सेक्शन सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ही हैं इतना बिहार हिस्ट्री से आने के क्वेश्चंस के चांसेस हैं। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू गांधीयन फेज। और गांधीयन फेज को शुरू करने के पहले इमर्जेंस ऑफ गांधी इन अफ्रीका हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गांधी जी लॉ पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड से इंडिया लौट के कब आते हैं? 1891 में। और वापस 1893 में कहां जाते हैं? साउथ अफ्रीका, इन केस इन्वॉल्विंग हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। नाम याद रखिएगा, सर काहे का इलेक्टेड बेटा? एक बात देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसको हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से आंसर करते हैं। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक कॉमन सेंस से आंसर कर रहे हैं। यहां का जो मिनिस्टर है उसको क्या किया जा रहा है? देखो देखो देखो, प्रोविंस पर, प्रोविंस के लेवल पर जो मिनिस्टर है उसी को जब नॉमिनेट किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि सेंट्रल लेवल पर ब्रिटिश अलाउ करेगा इलेक्टेड? कुछ सोचो इस चीज को, प्रोविंस लेवल पर इलेक्शन नहीं अलाउ कर रहा है मिनिस्टर लोगों का, तो क्या सेंट्रल लेवल पर अलाउ करेगा? हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं करेगा, आंसर मिल गया, क्या होगा फिर? आंसर मिल गया, तो थ्री आउट ऑफ एट मेंबर्स वेयर व्हाट? नॉमिनेटेड। ठीक एक चीज और नोट कर लेना, एक रह गया, अगर आपने पूछ लिया था कंपोज, देखो हमने क्या देखा, सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन, ये जो अपर हाउस था दे कंप्राइज्ड ओनली ऑफ मेल मेंबर्स, ये भी ध्यान रखना, दे कंप्राइज्ड ऑफ मेल मेंबर्स ओनली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहां थे हम? गांधी जी, तो गांधी जी 1891 में जाते हैं इंग्लैंड, लौट कर आते हैं, गांधी जी 1893
इंग्लैंड जाते हैं, 1891 में इंडिया लौट कर आते हैं, फिर वापस 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, और फाइनली आप देखते हो 1910 के ब्रीफ पीरियड में, ठीक है, और 1900 वाले पीरियड में वो इंडिया में रहते हैं, और फिर वापस जब फाइनल सेटलमेंट होता है गांधी जी का इंडिया में, वो कब होता है? इन जनवरी 1915। ओके, अफ्रीका में गांधी जी के स्ट्रगल को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक फेज है 1894 से 1906, इस फेज को हम मॉडरेट फेज बोलते हैं, और 1906 से 1914 इस फेज को हम गांधी जी का एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं, या फिर पैसिव फेज बोलते हैं, पैसिव रेसिस्टेंस फेज। ओके, दोनों में से जो बोलना हो आप बोल सकते हो। क्लियर है? 1894 से लेकर 1906 का फेज को मॉडरेट फेज, 1906 से लेकर 1914 के फेज को आप एक्सट्रीमिस्ट फेज बोल सकते हो, या फिर पैसिव रेसिस्टेंस वाला फेज। ठीक है, इन फेजेस में गांधी जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं साउथ अफ्रीका में, जो कि इंपॉर्टेंट है और पढ़ना जरूरी है, और गांधी जी से रिलेटेड आपको सब कुछ पता है, कुछ भी पूछ सकता है वो गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स को लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें एक मूवमेंट था सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। ये क्या था? आप क्या देखते हो कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस को पकड़ पकड़ के साउथ अफ्रीका ले जाते हैं, किस लिए? काम करवाने के लिए, इंडेंजर्ड लेबर्स के फॉर्म में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के काम लेकर करने के लिए ले जाते थे, और जो भी इंडियंस थे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप इंडियंस हैं, आप बाहर से आए हैं, और जिस पे उनका थंब इंप्रेशन हुआ करता था, ठीक है, बायोमेट्रिक्स सो कॉल्ड। तो इंडियंस को साउथ अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं वो नहीं, इट वॉज कंपल्सरी फॉर द इंडियंस टू कैरी दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑल द टाइम्स। कभी भी ब्रिटिश आपसे पूछ सकता था, अरे सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो जेल में डाल देंगे, बट बाकी लोगों से नहीं पूछ रहा है साउथ अफ्रीका के जो बाकी लोग हैं। तो इट वाज अ काइंड ऑफ व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इन कहा? इन साउथ अफ्रीका। तो इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो कांड चल रहा था वहां पर, इसको काउंटर करने के लिए गांधी जी बनाते हैं पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन। ध्यान रखना, पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन वॉज फॉर्म बाय हूं? गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। और इसी क्रम में ये पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन जब ये बनाते हैं, गांधी जी ओपनली डिफाई करते हैं ये ऑर्डर को, और पब्लिकली बर्न कर दिया जाता है ये सर्टिफिकेट्स को। ठीक है, इसके लिए बहुत मार भी पड़ती है, अगर आपने मूवी देखा होगा गांधी वाला। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सभी को क्लियर है? इश्यू क्या था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का? नेक्स्ट, गांधी जी इन बोयर वॉर। नाउ व्हाट वाज दिस बोयर वॉर? साउथ अफ्रीका, जाओगे ना, ये रहा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक रीजन है ट्रांसवाल। ओके, साउथ अफ्रीका में एक रीजन है ट्रांसवाल, विच वॉज रिच फॉर गोल्ड। ठीक है, यहाँ के लोगों को बोयर बोला जाता है, और ब्रिटिश वांटेड टू थ्रो दिस गवर्नमेंट आउट, ताकि वो गोल्ड के ऊपर कंट्रोल कर ले। तो क्या बोयर पीपल जो है वो लोग मानेंगे? नहीं माने। तो ब्रिटिश और बोयर के बीच में वॉर होता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? बोयर वॉर। और जब वॉर होगा तो काफी लोग मरेंगे,
काफी लोग जब मरेंगे तो उनको हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स वगैरह जाएंगे, है ना, असिस्टेंट्स वगैरह जाएंगे, नर्सेस वगैरह जाएंगे, तो स्ट्रेचर बेरर क्रॉप्स का वॉलंटियर कौन थे? गांधी जी। स्ट्रेचर पर लिखकर लोगों को दौड़ने वाले में गांधी जी वॉलंटियर किया था ब्रिटिश के तरफ से, ठीक है। फ्रॉम ब्रिटिश साइड गांधी सर्व्ड एज अ इंडियन वॉलंटियर ऑफ स्ट्रेचर बियरर क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स नहीं यार, कॉप्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज। और इसी सर्विस के लिए गांधी जी को क्या मिला? मेडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन साउथ अफ्रीका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिनिक्स फार्म, ठीक है, फिनिक्स नाम है फार्म का। एंड दिस आइडिया ऑफ फार्म वॉज इंस्पायर्ड बाय टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय आदमी का नाम है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बेटा वीडियो बंद किया जाए, सब नॉट अलाउड, ब्लॉक कर दिए जाएंगे आप। फिनिक्स फार्म, तो फिनिक्स फार्म का जो आइडिया है इट वॉज इंस्पायर्ड बाय हु? टॉल्स्टॉय, ठीक है। और टॉल्स्टॉय जो है एक आदमी का नाम, ठीक है, उन्हीं के आइडिया पर ये फार्म बनाए, फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म गांधी जी ने इसलिए बनाया था, ठीक है, फिनिक्स फार्म गांधी जी ने इसलिए बनाया था ताकि वो अब ये जो हाइजीन है, सैनिटेशन है, गुड डाइट है, इसके ऊपर क्या कर सके, अपना चर्चा कर सके, लोगों को बुला सके, उसके बारे में बता सके, ठीक है। इट वॉज द मेन मकसद ऑफ फिनिक्स फार्म 1904 में ही आप क्या देखते हो, गांधी जी स्टार्ट्स प्रिंटिंग न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी कहां से कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका से, याद रखना। इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी कहां से डाल रहे हैं? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट इज गांधी इन जुलू वॉर्स, ठीक है। एक देखो बोयर वॉर तो सब जानता है, एक और वॉर हुआ था जुलू वॉर्स। अगेन जुलू कौन है? वहां के ट्राइब है, वहां के पॉपुलेशन का नाम है। और ब्रिटिशर्स ने जुलू को हराकर बेसिकली क्या कर रहे थे, उनको फोर्स लेबर करवा रहे थे इन डायमंड माइंस। तो क्या ये जुलू लोग को पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो जुलू रिबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और फिर वॉर होता है दोनों के बीच। अगेन जब लड़ाई होगी तो लोग मारे जाएंगे, ठीक है, और लोग जब मारे जाएंगे, ठीक है, और लोग जब मारे जाएंगे तो यू विल सी व्हाट कि मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होगा। और मेडिकल असिस्टेंस के केस में आप क्या देखते हो, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस के केस में क्या देखते हो? गांधी अगेन सर्व फ्रॉम ब्रिटिश साइड और इस बार थोड़ा प्रमोशन मिला, वॉलंटियर ऑफ एम्बुलेंस कॉर्प्स, ठीक है, एम्बुलेंस वाले में इस बार गांधी जी ने काम किया था। तो वहां पर कहां काम किया था? स्ट्रेचर, यहां पर एम्बुलेंस, ओके, क्लियर है ये चीज। ये चार ऑथर्स हैं जिनके किताब ने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था, इंस्पायर किया था, ठीक है। ये चार ऑथर्स हैं जिन्होंने गांधी जी के आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया था। पहला है थुरो,
तो हम जो सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया देखते हैं वो कहां से आया है, इनकी किताब से। ठीक है, आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग, कम्युनिटी लिविंग, ये किसका आइडिया, ये कहां से आया है, रस्किन, उनकी किताब से, अनटू हिज लास्ट। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट इन्होंने कहां से लिखा है, एमर्सन से। और टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय फार्म हमने फिनिक्स फार्म देखा ना, टॉल्स्टॉय फार्म हमने नहीं देखा ना अभी तक। अच्छा कोई बात नहीं, टॉल्स्टॉय फार्म बेसिकली गांधी जी ने बनाया था 1910 में। अच्छा है लिखा हुआ, ये रहा 1910 में। और टॉल्स्टॉय फार्म का पर्पस ये था कि साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रहीज हैं, ठीक है, उसके ऊपर ब्रिटिश जुल्म कर रही है, तो उनको रखने के लिए, हाउस द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रहीज। ठीक है, टॉल्स्टॉय फार्म वॉज, तो ये टॉल्स्टॉय फार्म वगैरह का जो आइडिया वगैरह है वो कहां से आया, यहां से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कैंपेन ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका वॉज अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। मतलब साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दो रीजन थे, नटाल और ट्रांसवाल। तो नटाल से ट्रांसवाल आना वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडियंस जो है नटाल से ट्रांसवाल नहीं जा सकते। तो गांधी जी ने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया जिसको बुलाते हैं हम ट्रांसवाल मार्च, फ्रॉम सेम रीजन नटाल टू ट्रांसवाल। कि भाई ऐसा क्यों, बाकी लोगों को अलाउड है, इंडियंस को अलाउड क्यों नहीं है। ठीक है, तो दिस वॉज कैंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। नेक्स्ट कैंपेन ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका वॉज पोल टैक्स। व्हाट इज पोल टैक्स? पोल टैक्स का मतलब ये हो गया कि चूंकि आप हमारे यहाँ रह रहे हैं तो उसके रहने के लिए आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो इट वॉज इम्पोज ऑन ऑल एक्स इंडेंजर्ड इंडियंस। व्हाट इज इंडेंजर्ड इंडियंस? इंडेंजर्ड इंडियंस का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गए थे। एक्स इंडेंजर्ड का मतलब क्या होगा, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया उन्हें भी टैक्स देना पड़ रहा था। ठीक है, ये नहीं कि उनको वापस भेज दे, नहीं, तुम वहीं रहो बट हमें टैक्स दो। ठीक है, तो यू विल सी £3 वॉज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन एक्स इंडेंजर्ड लेबर्स। 3 पाउंड उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। ओके, तो अ कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट दिस पोल टैक्स एज वेल। एंड लास्ट, अ कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड ऑल द इंडियन मैरिजेस। मतलब इंडियन नियम के अनुसार अगर वहां पर कोई मैरिज हुआ है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मैरिज। ठीक है, अगर क्रिश्चियन राइट से कोई मैरिज वहां नहीं हुआ है तो सारे मैरिज क्या होंगे, इनवैलिड। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वहां के ऑर्डर दे दिया, तो क्या वहां के लोगों को पसंद आएगा? गांधी जी को पसंद आएगा? नहीं। ऐसा क्यों? आप क्रिश्चियन राइट्स को वैलिडिटी दे रहे हो, बाकी वैसे सारे मैरिजेस जो हिंदू कस्टम से हुए हैं, मुस्लिम के कस्टम से हुए हैं, पारसी के कस्टम से हुए हैं, उनको क्यों नहीं वैलिड मानो? तो इसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने वहां पर कैंपेन लॉन्च किया था। इवन ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया में जो वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंज, उन्होंने कंडेम्ड किया था इस एक्ट को। उन्होंने इस एक्ट को कंडेम किया था, भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप इनवैलिडेट कर दिए हो सारे वैसे मैरिजेस जो कि क्रिश्चियन राइट से नहीं हुए, दिस इज रॉन्ग। तो ये सब करने के बाद फाइनली आप देखते हो कि गांधी जी जो है 8 जनवरी 1915 को लौटते हैं इंडिया। इसको आज के डेट में हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से। सो दिस इज हाँ, एक चीज और, ये जुलू वॉर्स में सर्व करने के लिए और बोयर्स वॉर्स में सर्व करने के लिए ही गांधी जी को टाइटल मिलता है कैसर ए हिंद का, जो ये जलियावाला बाग के बाद वापस लौटा देते हैं। और ये टाइटल गांधी जी को किसने दिया, अवार्ड किया था, लॉर्ड हार्डिंज इन 1915। याद रखना इसको, बाकी पढ़ने के लिए और जिसको डिटेल में पढ़ना है वहां पर दे दिया गया है, यू कैन रीड एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड विद रेस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीका।
कैंपेन ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड विद रेस्पेक्ट टू कैंपेन ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? कुछ पूछना हो किसी को? चलिए, इंडिया छोड़कर, ठीक है, साउथ अफ्रीका छोड़कर गांधी जी अब इंडिया आएंगे, और इंडिया में जो एरा ऑफ मास नेशनलिज्म शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? चंपारण सत्याग्रह से। क्योंकि चंपारण बिहार में है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे इंडियन हिस्ट्री के अलावा। ठीक है, नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन चंपारण एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम? फर्स्ट थिंग, दिस चंपारण वॉज रीलिंग अंडर तीन कठिया सिस्टम। वॉट इज दिस तीन कठिया सिस्टम? देर इज अ पीस ऑफ लैंड, दिस पीस ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इंटू चार, चार आठ, चार बारह, 416, एक और बनाना होगा, ठीक है, इनटू 20 पार्ट्स। इन थ्री आउट ऑफ 20 पार्ट्स, इन तीन पार्ट्स में, कोई भी तीन पार्ट्स हो सकते थे, आपको कंपलसरी क्या ग्रो करना है? इंडिगो। ठीक है, तो फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। ठीक है ना, अगर आप इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते हैं, सेकेंड थिंग, अगर आप 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, ये 3 कट्ठा, 3 इज व्हाट 3 कट्ठा, 20 20 कट्ठा का 1 बीघा, ये तो 20 लिखा ना, 3/20। अगर आप इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो यू विल बी फोर्स टू पे टैक्स इन लियू ऑफ नॉट ग्रोइंग इंडिगो। आप चूंकि इंडिगो नहीं ग्रो कर रहे हैं तो उसकी जगह पर आपको टैक्स देना होगा। ये क्या मतलब हो गया? मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं ग्रो करूंगा, बट यू हैव यू वेर फोर्स टू पे टैक्स इन लियू ऑफ नॉट ग्रोइंग इंडिगो। इसके अलावा चंपारण में एक और सिस्टम था विच वॉज नोन एज जीरथ सिस्टम। वॉट इज दिस जीरथ सिस्टम? अगेन दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, ये वर्कर्स है, दिस वर्कर्स वेयर फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो। वर्कर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए एट वेरी लेस वेजेस। एक तो आप इसको बोल रहे हो कि इंडिगो कल्टीवेट करो, ऊपर से वेज भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, एंड दिस लैंड वॉज ओन्ड बाय हु? यूरोपियन प्लांटर्स। यूरोपियन प्लांटर्स थे, वो लोग इस लैंड को ओन करते थे। तीन कटिया सिस्टम में फार्मर्स इस लैंड को ओन किया करते थे, जीरत सिस्टम में यूरोपियन प्लांटर्स इस लैंड को ओन किया करते थे, बाहर से वर्कर लाते थे, उनको जबरदस्ती इस पर इंडिगो ग्रो करवाते थे और वेज भी कम देते थे, जीरत सिस्टम। इसके अलावा और क्या देखोगे? ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, लठैत लोगों को रखते थे, अगर काम नहीं करोगे तो पिटाई भी होगी, तो वॉयलेंट मेजर्स वेयर यूज्ड। वॉयलेंट मेजर्स वेयर यूज्ड। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर वन के समय पर जर्मन सिंथेटिक फाइबर आ गया। अच्छा, इंडिगो जो ग्रो करता था वो कहां यूज होता था? फॉर
और डाइंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स को कलर करने के लिए। तो आप क्या देखते हो, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर जर्मन सिंथेटिक डाई मार्केट में आता है, ठीक है, जर्मन सिंथेटिक फाइबर डाई मार्केट में आता है, जो कि कंपीट करता है इंडिगो के साथ, इंडिगो के साथ कंपीट करता है। आप क्या देखोगे, इसकी वजह से फार्मर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और फार्मर्स वेयर रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो, they were reluctant to grow indigo. साथ ही साथ इंडिगो जब आप ग्रो करते हो तो साइल बिकम्स वॉट, इनफर्टाइल। एंड नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि इंडिगो जो था वो खारिफ सोइंग के पैटर्न को भी अफेक्ट करता था। Amidst all these causes, ये सारे कॉज थे जो वहां के पेजेंट्स को दुखी कर रहे थे, एंड हेंस पेजेंट्स वांटेड अ रिप्रीव, मतलब आजादी चाहते थे इस तरीके के प्रैक्टिस से। आप क्या देखते हो, वहां के एक लोकल लीडर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये 1916 जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था, वहां गांधी जी से मीट करते हैं और गांधी जी को चंपारण आने का इनविटेशन देते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का इनविटेशन देते हैं। तो गांधी जी फिर चंपारण आते हैं, ठीक है, सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश को फोर्स करते हैं कमिटी बनाने के लिए, और फाइनली आप देखते हो चंपारण एग्रेरियन कमिटी बनती है जिसमें गांधी जी खुद एक मेंबर होते हैं। और ये एग्रेरियन कमिटी ये एक्नॉलेज करती है कि हाँ भाई, सही में उत्पीड़न हुआ है यहां के फार्मर्स का, कमिटी कुछ रिकमेंडेशंस देती है, वो इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या रिकमेंडेशंस है, वो बिहार वाला जो वीडियो है वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है, उस डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चंपारण वॉज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, तीन कथिया सिस्टम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला जी को याद रखिएगा, तो बहुत बार पूछा गया है। आज इन बीपीएससी सिस्टम का नाम पूछा गया है, 20 में से कितना हिस्सा ये पूछा गया है, ठीक है, जीरत वाला अभी नहीं पूछा है, किसी भी साल पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईयर इज 1970, ये नहीं पूछा है, चंपारण एग्रीगेरियन कमिटी इज पेंडिंग, दिस कैन बी आस्क्ड। देशबंधु जैसा कुछ रिलेटेड है सर, होगा तो आई एम अनअवेयर ऑफ दैट, दैट विल बी डेल्ट इन बिहार, ओके, नहीं होगा तो मुझे बता देना, आई विल रीड एंड आई विल टेल यू नो, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट चंपारण जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जब चंपारण पढ़ते हैं तो इतना पढ़ते हैं, ओके, बिहार में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज इन खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। नाउ खेड़ा कहाँ है बेटा, गुजरात में। क्या हो गया गुजरात में, क्रॉप फेल हो गया,
गुजरात में क्रॉप क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? ड्यू टू ड्राउट, ठीक है, सूखा पड़ा और क्रॉप फेल हो गया। नाउ एज पर लॉ, ब्रिटिश ने जो लॉ बनाया था वहां पर, वो ये बोलता था कि अगर क्रॉप फेल हो गया तो जितना भी टैक्स देना पड़ेगा दैट विल बी रेमिटेड, मतलब रेमिशन, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट सरकार क्या बोली, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो अपना लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। तो क्या वहां के लोग मानेंगे इस चीज को? एक तो लॉ में भी लिखा हुआ है कि भाई नहीं ले सकते हो आप, लोग नहीं मानेंगे, लोग एजिटेट करेंगे। एंड यू विल सी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर गांधीज गाइडेंस फार्मर को लीड करते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए। ओके, फार्मर को लीड करते हैं, प्रोटेस्ट कीजिए। और फाइनली जब गांधी जी के साथ इनकी बातचीत होती है ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, तो आप क्या देखते हो कि अथॉरिटीज बोलते हैं चलो ठीक है, फार्मर को कंसेशन दे दिया जाए। अथॉरिटीज ये भी बोलती है चलो चलो जिसको पे करना है पे कर, ठीक है। तो इस तरीके से फिर खेड़ा सत्याग्रह को सबड्यू किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि चंपारण, ठीक है, हो गया या फिर खेड़ा हो गया या फिर अगला अहमदाबाद वाला देखेंगे ना, यहां पर जो सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया है तीनों के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए। जो भी सोच कर लॉन्च किया गया था सत्याग्रह उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अगला, तो आप यहां पर देखते हो कि ये जो वर्कर्स हैं अहमदाबाद मिल्स के, दे वेयर डिमांडिंग बोनस कि हमें अपने वेज में 35% का हाइक चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नहीं देना चाहते थे, ठीक है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि प्लेग एपिडेमिक के लिए जो बोनस दिया गया था अब उसको वापस ले लें, ठीक है। दे वांटेड टू विथड्रॉ दिस प्लेग बोनस। आप क्या देखते हो, फिर से सत्याग्रह लॉन्च होता है, ठीक है। और यहां पर व्हाट यू विल सी, गांधी जी सैट ऑन सत्याग्रह एज फॉर हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखना, पहली बार हंगर स्ट्राइक को यहीं आजमाते हैं अहमदाबाद। तो इट वॉज बेसिकली कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल भी याद रखना, कौन सा मिल, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक दे देगा चार, जूट मिल, कॉटन मिल, कौन सा मिल है, कॉटन। यहाँ के वर्कर्स एग्रीटेट करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो सत्याग्रह होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, अहमदाबाद स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में अगर हम आगे बढ़े, देखो जलियांवाला बाग वगैरह सब हमने पहले कर लिया, रॉलेट वगैरह हमने पहले कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद सीरीज में आता है रोलैट जो हमने कर लिया, और इसके बाद आपका आता है क्या था यार, रोलैट के बाद जलियांवाला बाग जो हमने कर लिया, इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, देखिए जरा पर। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन फॉट अगेंस्ट टर्की। टर्की में जो स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे मुस्लिम लोगों का, उनको बुलाया जाता था कैलीफ, ठीक है, या फिर खलीफ, कैलीफ और खलीफ। टर्की हारती है, हारने के बाद, ठीक है, ब्रिटेन जो है इस स्पिरिचुअल लीडर को हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। ब्रिटेन जो है इन स्पिरिचुअल लीडर को हटाकर अपना, ऑब्वियसली अपना पपेट लगाएगा, कहीं पर कोई जीता है तो वहां पर अपना सरकार बैठाएगा ना कि इनको रहने देगा। तो
स्पिरिचुअल हेड को हटाने की जब कोशिश करता है तो दिस एंगर्स मुस्लिम पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में भी हुआ होगा. एंड इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, अली ब्रदर्स, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड. खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है. गांधी जी गेव सपोर्ट टू दिस खिलाफत बिकॉज ही थॉट दैट कि दिस इज द राइट टाइम टू फॉर्ज हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो गांधी जी गेव फुल सपोर्ट टू दिस खिलाफत. तो खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, क्या ये क्लियर है सभी को? बताएं जल्दी से, खिलाफत इशू क्लियर है सभी को? लीडर्स का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है. खिलाफत इशू क्लियर है सभी को? नाउ ये जो अली ब्रदर्स हैं, आप क्या देखोगे, मिलकर ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी बनाते हैं, ठीक है. इसके इन अली ब्रदर्स के अलावा कुछ और लीडर्स भी शामिल होते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी, ठीक है. खिलाफत मूवमेंट में ही ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी होता है. कहां होता है? दिल्ली में होता है. कब होता है? 23 नवंबर 1919. और इस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? महात्मा गांधी, आर सिंह. देखो दो चीज अलग अलग है बेटा. ये जो खिलाफत कमिटी बनती है इट फॉर्म्स इन अर्ली 1990, मतलब मार्च वार्च के अराउंड बनती है. और खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब होता है? नवंबर 1990, मतलब एंड ऑफ 1919. कॉन्फ्रेंस और कमिटी अलग अलग है, ध्यान रखना. कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? आप एक जगह पर गए, वहां पर भाषणबाजी आएंगे, 10 लोग आएंगे, बोलेंगे कुछ. कमिटी का मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बनाया गया है ताकि वो कोई चीज पर पढ़ सके, डिसीजन ले सके. एक जगह कमिटी है, दूसरी जगह कॉन्फ्रेंस, ठीक है. क्लियर है ये चीज? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमिटी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ठीक है. क्लियर है सभी को? आफ्टर दिस खिलाफत मूवमेंट व्हाट यू विल सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल बी लॉन्च्ड. अब यहां पर ध्यान रखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 3 एम्स थे. व्हाट वेर दोस 3 एम्स? पढ़ा है आपने? व्हाट वेर द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन? अच्छा, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन? प्लस ये बता दो. देखो गांधी जी जो है 1909 में, उनका एक जर्नल था हिंद स्वराज, भी गांधी जी का ही था. उसमें उन्होंने ये बोला कि इंडिया में इतने सालों से ब्रिटिशर्स जो रह रहे हैं उसका मेन रीजन है कि इंडियंस आर कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स? जैसे मान लो ब्रिटिशर्स को कोई पोस्ट पर लोगों को रखना है, ठीक है, नीचे वाले पोस्ट पर, तो कौन हो रहे हैं रिक्रूट वहां पर? इंडियंस. कोर्ट कचहरी चल रहा है, लॉयर्स वगैरह कौन है? इंडियंस.
स्कूल्स वगैरह चल रहा है, कौन जा रहे हैं? इंडियंस। ठीक है, तो आप सब जगह देख रहे हो कि इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स को उनके इंस्टीट्यूशंस को चलाने में कोऑपरेट कर रहे हैं। गांधी जी का कहना था कि ये कोऑपरेशन हटाओ, लॉ का वायलेशन नहीं बोल रहे गांधी जी करने के लिए, वो तो सिविल डिसोबीडियंस में बोलेंगे। यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मत जाओ स्कूल, सरकारी स्कूल। अगर आप लॉयर हो तो आप क्यों जा रहे हो कोर्ट, मत जाओ। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हो, हेडमास्टर हो, तो आप रिजाइन करो। वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। ये नहीं बोल रहे कि लॉ को वायलेट करो ना, आप रिजाइन कर दो। रिजाइन करना इज नॉट वायलेटिंग द लॉ। मेरा मन है मैं पढ़ाऊ, मेरा मन है मैं रिजाइन कर दू। समझ में आया सभी को नॉन कोऑपरेशन का मतलब? So what was the aim of non-cooperation movement? Three folds. Pehla, to apologize for what? Jallianwala Bagh. जो जलिया वाला बाग का जो कांड हुआ है उसके लिए जो दोषी है उसको क्या मिले? सजा मिले। टू अंडू द खिलाफत रॉन्ग, ये जो खलीफ का पोजीशन आप हटा रहे हो वो मत करो, रहने दो। और तीसरा, स्वराज दो हमें। दिस वॉज थ्री एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब मुझे ये बताओ क्या ये तीनों एम फुलफिल हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? क्या हमें स्वराज मिला? क्या उन्होंने खिलाफत रॉन्ग को अंडू किया? नहीं। क्या उन्होंने जलियांवाला बाग के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जनरल डायर उनको पनिश किया? नहीं। नन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फुलफिल्ड। बट इसके पहले के जितने भी आप देखोगे, खेड़ा हो गया, चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल हो गया, सब जगह एम और ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है, यहां पर नहीं हुआ। ना ही सिविल डिसोबीडियंस में होगा, ना ही कुट इंडिया में होगा। क्लियर है सभी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? दिस नॉन कोऑपरेशन कैंपेन वॉज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी ऑन 1 अगस्त 1919। ध्यान रखिएगा इस चीज को, फुल फ्लेजेड नहीं, इनॉग्रेशन हुआ कि हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। एंड दिस वॉज डन इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाया गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करेंगे क्या क्या लोग? नॉन वायलेंस का मैसेज को स्प्रेड किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि हम नॉन वायलेंस के पाथ पर चलेंगे और भारत को आजाद कराएंगे। ब्रिटिश टाइटल और गुड को क्या किया जाएगा? बॉयकॉट किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश के जो भी फॉरेन क्लोथ्स हैं, मटेरियल्स हैं, सबका बॉयकॉट किया जाएगा। और ब्रिटिश वगैरह जो टाइटल्स दे रही हैं, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सारे टाइटल्स को क्या किया जाएगा? बॉयकॉट किया जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, स्वदेशी को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू विल सी वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल रेस्पॉन्डेड इन वेरियस मैनर। स्टूडेंट्स दे लेफ्ट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मिडिल क्लास पीपल दे इनिशियली लेड द मूवमेंट बट लेटर शोड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन अबाउट गांधी जी प्रोग्राम। क्यों बता सकते हैं आप? इनफैक्ट स्टूडेंट भी शुरू में सपोर्ट करते हैं, बाद में नहीं। क्यों? स्टूडेंट को बोल दे रहे हो आप कि इंस्टीट्यूशन छोड़ दो, स्टूडेंट ने छोड़ दिया। अरे पढ़ने के लिए दूसरा इंस्टीट्यूशन भी तो बनाओगे ना उस लेवल का। तो दीज टू इंस्टीट्यूशंस वेयर स्लो टू कम अप।
धीरे धीरे आ रहा है। तो वैसे कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जो धीरे धीरे आ रहे थे? कहीं दे रखा है, ये देखो, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया। बनाया, बट देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ धीरे धीरे होता है ना, एक दिन में थोड़ी बन जाएगा, ठीक है? तो दे वेर स्लो टू कम अप एंड हेंस यू विल सी, शुरू में तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट बाद में वापस सरकारी इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर देते हैं। डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी कैसे मिलेगा, है ना? सिमिलरली फॉर मिडिल क्लास पीपल, सिमिलरली फॉर मिडिल क्लास पीपल। अब आप बोल रहे हो कि खादी का सामान खरीदो, खादी है महंगा, कितने दिन तक? एट लास्ट आपको ब्रिटिश मेड गुड्स तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वो सस्ता हुआ करता था। दूसरा, मिडिल क्लास पीपल का जो अर्निंग है वो अर्निंग कहां से आ रहा है? जॉब से आ रहा है, भारी पैसा तो है नहीं साथ। अगर वो अपना जॉब छोड़ देंगे तो अर्निंग कहां से आएगी? कहीं से नहीं। तो इनिशियली दे लेड द मूवमेंट बट लेटर शोड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट गांधीज प्रोग्राम। बिजनेसमैन, ये लोग सपोर्ट करेंगे इंडिया वाले, क्यों? ब्रिटिश गुड बॉयकॉट होगा तो किसका सामान बिकेगा? इनका, ठीक है? फोर, पेजेंट्स, ठीक है, फार्मर्स पेजेंट्स, मैसिव पार्टिसिपेशन बाय द पेजेंट्स, देयर विल बी अ मैसिव पार्टिसिपेशन फॉर द पेजेंट्स एंड इट विल बी सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी को क्या बुलाया जाता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस, ठीक है? इसके अलावा आप क्या देखोगे? विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, ठीक है? इनफैक्ट वुमेन्स ने अपनी ज्वेलरीज को भी दे दिया फॉर तिलक फंड, ऑर्नामेंट्स फॉर तिलक फंड। अब ये तिलक फंड क्या है? तिलक स्वराज फंड। तो अनाउंसमेंट किसने किया कि हम एक फंड बनाएंगे? तो उसने बोला महात्मा गांधी, ठीक है? कब? आफ्टर 1 ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है? इस फंड को कहां यूज करेंगे? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है? और ये फंड का टोटल वैल्यू कितना होगा? 1 करोड़, एम्ड एट कलेक्टिंग 1 करोड़, तिलक स्वराज फंड, ठीक है? इट वॉज बेसिकली मेड टू पे होमेज फॉर बाल गंगाधर तिलक ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, बर्थ नहीं, डेथ एनिवर्सरी, ठीक है? इतना माइनरली तो नहीं पूछेगा, यूपीएससी तो है नहीं। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो सरकार चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी, तो फायरिंग होगी, कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया जाएगा अनलॉफुल, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह को कर दिया जाएगा बैन, ठीक है? सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे गांधी जी को छोड़कर। गांधी जी को अरेस्ट कर लेते तो बहुत हो हंगामा हो जाता है, दैट्स व्हाई गांधी जी को छोड़कर बाकी सारे लीडर्स को ये लोग क्या कर लेते हैं? अरेस्ट, ठीक है? बाकी सारे पर्सनालिटीज भी इन्वॉल्व होते हैं, वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जो चितरंजन दास जो कि लॉयर्स थे, इन्होंने अपने लीगल प्रोफेशन को गिव अप कर दिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है फरवरी 1922 में एट चौरी चौरा, ये कहाँ है? यूपी में। यहां पर कुछ लोग मॉब 22 पुलिसमैन को क्या करते हैं? मार देते हैं और पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। सो दिस वॉज द वॉयलेंट इंसिडेंट, और इसी वॉयलेंट इंसिडेंट को देखकर गांधी जी क्या करते हैं? चौरी चौरा, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? बट गांधी जी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं बेटा, तो ध्यान ये रखना कि कांग्रेस में सब लोग इस बात से सहमत नहीं थे। सी आर दास हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, बोस हो गए, ये सब इस सहमत नहीं थे कि आप
विड्रॉ कर लो, बट गांधी जी वॉज एडमिट कि नहीं हमें विड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि नॉन वायलेंट पर ही हमें अपनी आजादी मिलनी चाहिए, ये गांधी जी का मानना था। तो कोई भी वायलेंट इंसिडेंट इज नॉट गुड फॉर आवर मूवमेंट। और भी रीजंस था, जब बच्चों की मेंस नहीं पढ़ रहे हैं उधर वाला, तो रहने देंगे। तो अब कैसे देखोगे, जैसे ही गांधी जी विड्रॉ करते हैं 5 1922 में इनको अरेस्ट कर दिया जाता है और ही सेंटेंस टू 6 years इन जेल। हालांकि 6 साल रहते नहीं है, हेल्थ ग्राउंड्स पर इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देर वेर सेवरल कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस मूवमेंट। फेलियर हम इसलिए बोलेंगे बिकॉज वो जो 3 एम थे वो फुलफिल नहीं हुए, तो फेलियर ही होगा। आप किसी ऑब्जेक्टिव से किसी चीज को लॉन्च करो, वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इट विल बी अ फेलियर। तो हम क्या देखेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर में, कि गवर्नमेंट इस बार कोई नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है आपको जो करना है कीजिए, हमको जो करना रहेगा करने रहेगा, तो मूवमेंट फेल्ड। दूसरा, खिलाफत इशू जिस पर ये मूवमेंट शुरू हुआ वो इशू ही रेलेवेंट का नहीं रहा, क्यों, बिकॉज इन 1922 जब देख रहे हो व्हाट हैपेंड, पीपल ऑफ टर्की रोज अगेंस्ट दिस मुस्तफा कमाल पाशा एंड डिफाइड द सुल्तान ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर, ठीक है, और टर्की वॉज मेड अ सेकुलर स्टेट। तो जो आप ये बोल रहे हो कि कैलिफ विल बी द स्पिरिचुअल एंड लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, वो सब खत्म कर दिया टर्की ने। टर्की ने बोला कि आज से हम सेकुलर स्टेट है, और लॉस ऑफ रेलेवेंस ऑफ खिलाफत इशू। उसके बाद आप क्या देखोगे, ये मिडिल क्लास लोगों का जो था लैक ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्स, खासकर कैलकटा बॉम्बे मद्रास में उतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं देखा गया पॉलिटिशियंस का, मिडिल क्लास इनिशियली सपोर्ट किया बाद में नहीं सपोर्ट किया। उसके बाद वायलेंस जो नहीं होना था वो भी देखा गया, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे जिसको हम बोल सकते हैं कि फाइनली द रिवोल्ट फेल्ड, थे फाइनली द मूवमेंट फेल्ड, ठीक है। अरे बिजनेसमैन लिखा तो यहाँ, यार तुम लोग देखते नहीं हो। हाँ अच्छा, आप बोल रहे हो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन शुरू में सपोर्ट कर रहा था, बाद में जब देखा कि बहुत दिन तक चल रहा है मूवमेंट तो उनका भी लॉसेस होगा ना यार, इतना तोड़फोड़ होगा, तो लेटर ऑन दे आल्सो वांटेड अ कॉम्प्रोमाइज, ओके। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि 2 साल तक 1 साल तक आप लोगों को मूवमेंट करा रहे, तो लोग में खुद फटीग आ जाता है, पढ़ते आप भी लोग को पढ़ते पढ़ते नहीं हो जाता कि अरे यार क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फटीग भी हो जाता है लोगों में। तो इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन अ मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द सेम पेस, वो भी इश्यू, बट वो तो मेंस का बात है तो ठीक है उधर रहने देंगे। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। उसके बाद आप क्या देखोगे, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसी मूवमेंट में देखने को मिलता है, इसके बाद कभी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे आप क्या देखोगे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाता है, इंडियन गुड्स को प्रमोट किया जाता है, और जो इंडियन का जो बिजनेस है वो क्या होता है, बढ़ता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम, ठीक है। तो दीज आर ऑल वेयर व्हाट इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सब मेंस का है यार, नोबडी विल आस्क यू, मेन जो फंडा था ये सारा जो येलो लाइन से मार रहे वो पढ़ लेना, पर जो पढ़ाए वो कर लेना। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और किसी को कुछ पूछना हो, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, एनीथिंग। इसके आगे कल की टॉपिक क्या है, अगले 3 से 4 दिन में ये हो जाना चाहिए पूरा, 1920 तक तो पहुंच ही गए, अब है क्या, 27 साल और है।
27 साल, 4 4 साल करके देख, 6 6 साल करके भी करे, 4 क्लास में हो जाएगा 27 साल, है ना? We'll be doing it tomorrow, इसके आगे सारा टॉपिक लेंगे हम, ओके, डोंट वरी, छोड़ेंगे थोड़ी। अभी तक कुछ छूटा ये बताओ, एनीथिंग दैट वी हैव मिस्ड टिल नाउ 1920 तक, एनीथिंग दैट वी हैव मिस्ड बताओ जल्दी से, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिस्ट बना लेना। पीटी पर ऑब्वियसली पीटी पढ़ रहे हैं तो पीटी पर्सपेक्टिव से ही पूछूंगा ना मैं, अगर कुछ छूटा हो तो प्लीज लिस्ट बना लेना, लास्ट मेरे को बता देना, एक क्लास उस पर भी ले लेंगे, नो इश्यूज। सो आज की क्लास बस इतना ही, इसके आगे आगे का क्लास विल बी डूइंग इट टुमारो, ओके, क्लियर है? दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय।